everyone. We just had an amazing time at Governor House in Bhubaneswar, surrounded by beautiful nature, and we couldn't wait to share the joy with you. Please stay tuned till the end. Dear Diary, nature is the art of God, expressing itself in the colors of the flowers, the songs of the birds, and the whispers of the wind. आज का ब्लॉग होगा गवर्नर हाउस राजभवन इन भुवनेश्वर एंड सिरीपुर के ऊपर, तो आप एंड तक जरूर देखिए कि हमने अपने डे को किस तरह से स्पेंड किया। इस बार एंट्री गेट दूसरे तरफ है तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। हम अराउंड 3 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे एंड हमने देखा कि इस बार बाहर कुछ फूड स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। अंदर जाने से पहले मेरी बहन की नज़र पड़ी पानीपुरी पे एंड एज यूजुअल वो खाना तो छोड़ेगी नहीं, तो हम सबसे पहले गए पानीपुरी खाने। अभी चलिए हमारे साथ अंदर। अंदर आते ही हमने देखा चारों तरफ ट्रीज एंड एटमॉस्फेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, चारों तरफ ग्रीनरी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी गवर्नर हाउस 20 जनवरी तक ओपन है, तो अगर आपको देखने आना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पर आने से पहले मैंने ऑनलाइन ही बुकिंग कर लिया था। एक ऐप है जिसका नेम है राजभवन गार्डन विजिट एंड उसमें बुकिंग करने के बाद हमें एक QR कोड मिला था। जब एंट्री कर रहे थे हम, तब वो QR कोड स्कैन हुआ एंड हम अंदर आ गए। यहाँ पर आने के लिए आपको अपना ID प्रूफ भी लेके आना पड़ेगा। चलिए अभी अंदर एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ें हमें दिखती हैं। ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एंड कामिंग था। अंदर आने के बाद चारों तरफ अब नेचर से सराउंड हो जाएंगे एंड यू विल फील सो कनेक्टेड। कितने सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स यहाँ पर हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी हम जा रहे हैं गवर्नर हाउस के मेन बिल्डिंग के तरफ, जिस तरफ बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स, फ्लावर्स, बहुत कुछ है वहाँ पर। दिस प्लेस रियली लुक्स मैजिकल। ये है मेन बिल्डिंग एंड इस तरफ भी काफ़ी लोग सेल्फीज क्लिक कर रहे थे। ये पूरे ही जगह में लोग प्लांट्स, फ्लावर्स एंड खुद के पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा ले रहे थे। चलिए अभी हमारे साथ डियर पार्क के तरफ। डियर्स सारे बहुत ही ज़्यादा दूर थे तो हमें देखने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहे थे। ये देखिए कितने सारे डियर्स हैं यहाँ पर। अभी चलिए दूसरे प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर हम देखेंगे फिश एंड बर्ड्स। ये देखिए यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। अभी हम जा रहे हैं फिशेस को देखने। ये देखिए ये किस तरह से स्विम कर रहे हैं। थोड़ा केयरफुली अब देखिए, यहाँ पर एक पिकॉक बैठा हुआ आपको दिखेगा। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है देन डू सपोर्ट अस। इस प्लेस में कुछ और बर्ड्स भी हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे डक्स हैं। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे। दिस प्लेस लुक्स सो मेस्मराइजिंग दैट इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सॉन्ग दैट आई लिसन टू एवरी डे। बट आई एम इन द ट्रीज, आई एम इन द ब्रीज, माय फुटस्टेप्स ऑन द ग्राउंड, यू विल सी माय फेस इन एवरी प्लेस, बट यू कैन कैच मी नाउ। The waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there,
catch me now. No, you can't catch me now. घूमते घूमते 5 बज गए एंड अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा है बाहर निकलने के लिए, तो चलिए अभी निकलते हैं बाहर। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं, अगर आपको देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज में देख सकते हैं। एग्जिट के तरफ भी बहुत सारे फ्लावर्स थे। ये 2:30 से 5:30 तक खुला रहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2:30 में ही आ जाए ताकि आप ज़्यादा टाइम इस प्लेस में घूम सके। बाय बाय एंड अभी हम यहाँ से निकलेंगे बाहर एंड हम देखेंगे कि बाहर क्या क्या फूड स्टॉल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये फिर से पानी पूरी खा रही है। ये स्पाइरल पोटैटो स्टॉल के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एंड हमने भी हमारे लिए ऑर्डर किया था एंड इट वाज वेरी टेस्टी एंड ये खाने के बाद हम जाएंगे सीरीपुर। सीरीपुर हम अराउंड 6 बजे के तरफ पहुंच गए थे एंड पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले ऑर्डर किया था हमारे लिए चिकन स्टिक। ये खाने के बाद मैंने अपने लिए ऑर्डर किया एक चिकन मोमो एंड मेरी बहन खा रही है एक मशरूम स्टिक। यहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, तो मेरी नज़र पड़ी इस कैफ़े 93 में, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ से कुछ ट्राई किया जाए। हमने ऑर्डर किया एक किटकैट शेक एंड फ्रेंच फ्राई। मुझे किटकैट शेक ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए यहाँ पर कितनी क्यूट सी बिल्ली है। ये प्लेस OUAT के पास है एंड शाम के तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे स्टॉल्स भी होते हैं, तो आप कभी यहाँ पर आइए और टेस्ट कीजिए। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं फ्रूट्स लेने के साथ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। Hey nature lovers, thanks a bunch for tuning into our video. If you loved our video, toss a thumbs up, share the nature love, hit subscribe for future adventures, and don't forget to ring that bell. It's like a secret handshake for staying connected. Until next time, bye bye and take care.